हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेटलर्जी चैप्टर का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर वन है कि एलॉय कंटेनिंग कॉपर 90% एंड टिन इज इक्वल्स टू 10% आर। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वैसा एलॉय जिसमें कॉपर 90% और टिन 10% पाया जाता है, तो ऑप्शन में ए है सोल्डर, बी में ब्रास, सी में जर्मन सिल्वर, डी ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज एक ऐसा एलॉय है जिसमें कॉपर 90% और टिन 10% पाया जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर टू है कि फेरिक ऑक्साइड इन ब्लास्ट फर्नेस इज रिड्यूस्ड बाय। क्वेश्चन यही पूछा गया कि ब्लास्ट फर्नेस में फेरिक ऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है, किसके द्वारा रिड्यूस किया जाता है। तो ऑप्शन में ए है कार्बन, बी में कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में कार्बन डाइऑक्साइड, डी में नन। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरेलियम कंटेन्स अबाउट। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि ड्यूरेलियम में एल्युमिनियम का परसेंटेज होता है। ए में ऑप्शन है 20% एल्युमिनियम, बी में है 60% एल्युमिनियम, सी में है 95% एल्युमिनियम, डी में नन ऑफ दी। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी 95% एल्युमिनियम। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आयरन का ओर है। ऑप्शन ए में है सीडेराइट, बी में है लिमोनाइट, सी में है हेमेटाइट, डी में ऑल ऑफ दी। तो सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर फाइव इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द प्योर मेटल इज मेड। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में प्योर मेटल जो है कहाँ प्राप्त होता है। ऑप्शन है ए में कैथोड, बी में ऑप्शन है एनोड, सी में है बोथ ए एंड बी और डी में है नन ऑफ दिस। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जो प्योर मेटल होता है वह कहाँ प्राप्त होता है, तो कैथोड पर प्राप्त होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइव। नेक्स्ट वन इज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम Fe2O3 लाइम स्टोन इज एडेड टू एक्ट एज। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि Fe2O3 से आयरन के एक्सट्रैक्शन में जो लाइम स्टोन ऐड किया जाता है वह किस रूप में काम करता है। ऑप्शन में दिया हुआ है फ्लक्स, बी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सी में स्लैग, डी में गैंग। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्लक्स। नेक्स्ट वन इज ऑल टाइप्स ऑफ स्टील कंटेंट्स। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जितने भी तरह के स्टील होते हैं उसमें कॉमन कौन सा एलिमेंट होता है। तो ए में दिया गया है क्रोमियम एंड वैनेडियम, बी में निकेल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में है आयरन एंड कार्बन, डी में है निकेल एंड क्रोमियम। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज आयरन एंड कार्बन। नेक्स्ट वन इज आयरन इज मेड पैसिव बाय। ए में है H3PO4, बी में है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, सी में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, डी में है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि आयरन को पैसिव बनाया जा सकता है, किसको ऐड करके बनाया जा सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट वन इज ब्रास इज एन एलॉय ऑफ। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ब्रास जो है ये एलॉय है किस एलिमेंट का एलॉय है। तो ए में कॉपर जिंक है, बी में कॉपर और निकेल है, सी में सिल्वर जिंक है, डी में कॉपर एंड टीन। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट वन इज ऑल टाइप ऑफ स्टील कंटेंट। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जितने भी तरह के स्टील होते हैं उसमें क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए में कार्बन एंड आयरन, बी में निकेल एंड क्रोमियम, सी में निकेल एंड कोबाल्ट, डी में नॉन ऑफ दिस। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज कार्बन एंड आयरन ए। नेक्स्ट वन इज सीधे राइट इज एन ओर ऑफ। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि सीधे राइट जो है ये ओर होता है।
ए में ऑप्शन है सिल्वर, बी में ऑप्शन है एल्युमिनियम, सी में ऑप्शन है कॉपर, डी में है ऑप्शन है आयरन। तो हमेशा आप लोगों को याद रखना है कि सीधे राइट जो होता है ये आयरन का ओर होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी आयरन। नेक्स्ट वन इज इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल इज मेड। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जो इम्प्योर मेटल होता है वह कहाँ प्राप्त होता है। ए में ऑप्शन है एनोड, बी में है कैथोड, सी में बोथ ए एंड बी, डी में है नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए एनोड। नेक्स्ट वन इज द एलॉय ऑफ विच मेटल इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन्स एंड रेलवे कोचेज। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि किस मेटल के एलॉय का उपयोग हम लोग एरोप्लेन के पार्ट्स और रेलवे कोचेज बनाने में करते हैं। ऑप्शन ए में है कॉपर, बी में है आयरन, सी में है एल्यूमिनियम, डी में नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमनली यूज सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड ऑफ। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि अधिकतर सेफ्टी फ्यूज वायर में उपयोग किया जाता है जो किस चीज का बना जा होता है। ए में लेड, बी में निकेल, सी में टीन, डी में एन एलॉय ऑफ टीन एंड लेड। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज एन एलॉय ऑफ टीन एंड लेड। नेक्स्ट वन इज जर्मन सिल्वर इज ए मिक्सचर ऑफ। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जर्मन सिल्वर जो है ये मिक्सचर होता है, किस एलिमेंट का मिक्सचर होता है। तो ए में ऑप्शन है कॉपर एंड जिंक, बी में ऑप्शन है कॉपर एंड टीन, सी में ऑप्शन है कॉपर जिंक एंड निकेल, डी में ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी कॉपर जिंक एंड निकेल।